ऐसा सुंदर गीत सुनाएं, आओ घर घर अलख जगाएं। ऐसा सुंदर गीत सुनाएं, आओ घर घर अलख जगाएं, राजभाषा को गले लगाकर स्वदेश प्रेम का संकल्प उठाएं। नमस्कार, स्वागत आपका स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। हिंदी भाषा स्वदेश प्रेम का संकल्प उठाएं, हिंदी भाषा को अपनाकर। और ये सच्चाई है कि जिस व्यक्ति को अपने देश की सभ्यता, संस्कृति, पहनावा, भाषा, हर चीज से प्यार होता है, वही सच्चा देशभक्त होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते कि और आज हिंदी के बारे में ये समझना बहुत जरूरी है कि हिंदी ने हमें सफलता के अनेकों विकल्प दिए हैं। सोशल मीडिया पर आप देखिए, सोशल मीडिया पर आज हिंदी को कितनी वरीयता दी गई है। आज विदेशों में भी संयुक्त राष्ट्र सरकार ने क्या किया कि हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षण संस्थानों में या जहाँ पर हिंदी विषय है उन विद्यालयों में, उन शिक्षण संस्थानों में अनुदान दिया जाने लगा उस सरकार की ओर से। तो ये हिंदी का सम्मान है, विश्व स्तर पर छाने वाली इस भाषा का सम्मान करें। जब जब हिंदी में आपसे संवाद हुआ है, सोशल मीडिया पर हिंदी में उत्पाद हुआ है, जब जब हिंदी में आपसे संवाद हुआ है, सोशल मीडिया पर हिंदी में उत्पाद हुआ है, आओ मिलकर हिंदी है हम का नारा दें, हिंदी के नए युग का सूत्रपात हुआ है। कि हिंदी को सम्मान मिला है और इसका हम लोग सम्मान करें। भारतवासी होकर हम हिंदी को अनदेखा करते हैं, ये बहुत बड़ा अपमान है हमारी राजभाषा का। हिंदी धर्म है, जाति है, आन है, हिंदी वतन है, मोहब्बत है, जान है। हिंदी धर्म है, जाति है, आन है, हिंदी वतन है, मोहब्बत है, जान है। जिनकी आत्मीयता से जुड़ी है हिंदी, वही लोग भारतवर्ष की शान है। कह सकते हैं कि वही लोग महान है। देखिए, आप बोलते हो दोस्तों तो राजभाषा की बात करें हिंदी की, भारतवर्ष की किसी भी चीज के बारे में बोलते हैं जो हमारी सभ्यता संस्कृति से जुड़ी हुई है, अगर आपके भाव हैं अंदर तो आपकी वाणी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी। एक वही वक्ता परिवर्तन ला सकता है किसी के अंदर जिसके अंदर भाव है। मैं भी कोशिश करता हूं कि अपनी हिंदी भाषा से मैं प्रेम करूं, प्यार करूं, इसको अपनाऊं, कोशिश करता हूं। सोशल मीडिया पर, अपनी वेबसाइट पर, चैनल के माध्यम से मैं हिंदी में ही ज्यादा कुछ सिखाता हूं। तो मेरे भाव हैं और मैं प्रकट करने की कोशिश कर रहा हूं कि सारे देश को एक सूत्र में पिरोती है, आपसे संपर्क का दायित्व सहजता से निभाती है। सारे देश को एक सूत्र में पिरोती है, आपसी संपर्क का दायित्व सहजता से निभाती है। करोड़ों लोगों की धड़कनों में बसती है हिंदी, भारत के जन जन को संवेदना सिखाती है। ये संवेदना प्रकट करने वाली भाषा है। और क्योंकि इसका जन्म 1000 वर्ष पूर्व, इसका 1000 वर्ष पुराना इसका इतिहास है, जैसे संस्कृत से इसका जन्म हुआ, तो इस भाषा को हम लोग अपनाएं और हिंदी भाषा को सम्मान दें। हिंदी भाषा, हिंदी दिवस के साथ साथ किसी भी दिवस पर आप इस तरह के स्पीच, शायरी बोल सकते हैं। और इसी के साथ आपको एक बार फिर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता